मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो रे गुड मॉर्निंग चलो टॉपिक पे चले हाँ तो हमने स्टार्ट क्या किया था टॉपिक नंबर थ्री नाम क्या था डाटा हैंडलिंग इसमें देखा था पहला पॉइंट क्या डाटा टाइप्स डाटा टाइप्स का काम होता है डाटा को पहचानने के लिए यानी देखिए हम बताए थे इधर एग्जाम्पल से कि ये डाटा है और इस डाटा को पहचानने के लिए इसका यूज कर रहा है तो जो डाटा को पहचान करता हो बताता हो आइडेंटिफाई करता हो वो क्या कहलाता है डाटा टाइप्स यानी डाटा टाइप्स का काम होता है डाटा को पहचानना कि डाटा कौन सा टाइप का है समझे अब ध्यान दीजिएगा बताया गया डाटा टाइप्स दो प्रकार का पहला फंडामेंटल दूसरा डिराइव तो बताएं वैसा डाटा टाइप्स जो पहले से बना बनाया रहेगा वैसा डाटा टाइप्स जो प्रोग्रामिंग में पहले से बना बनाया रहेगा उसको क्या बोलेंगे फंडामेंटल डाटा टाइप्स जिसको किसी दूसरे के द्वारा नहीं बनाया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा फंडामेंटल डाटा टाइप्स यानी दोज डाटा टाइप्स इट आर नॉट कम्पोज ऑफ अदर डाटा टाइप्स वैसा डाटा टाइप्स जो किसी दूसरे के द्वारा बनाया नहीं गया हो क्या कहलाया फंडामेंटल डाटा टाइप्स इसी का नाम प्रीमेटिव बेसिक्स और प्राइमरी एग्जाम्पल इंट फ्लॉट कैर डबल और वाइड यही पांच प्रकार का फंडामेंटल डाटा टाइप्स होता है नेक्स्ट इसी में बताया गया डिराइव डाटा टाइप्स यानी वैसा डाटा टाइप्स जो बनाया जाएगा किसके द्वारा फंडामेंटल के द्वारा वैसा डाटा टाइप्स जो फंडामेंटल के द्वारा बनाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे डिराइव डाटा टाइप्स यानी दोज डाटा टाइप्स दाइट आर कंपोज ऑफ फंडामेंटल डाटा टाइप जो किससे कंपोज़ रहेगा फंडामेंटल कंपोज्ड का मतलब बनाना जो किससे बनाया रहेगा फंडामेंटल से उसी को क्या बोलेंगे डराइब डाटा टाइप्स इसका एक और नाम क्या बताया नन प्रीमिटिव और ये सब एग्जाम्पल है तो ये जो एरे फंक्शन पॉइंटर क्लासेस है ये सारा का सारा ये सबसे बना है ये जो बताया गया फंडामेंटल में ये सब के द्वारा बनाया गया डिराइव डाटा टाइप्स को समझ में आया और इसी के बेसिस पे कल क्वेश्चन भी बताए थे देख लेना क्वेश्चन में मात्र इतना ही याद रखना है क्वेश्चन किधर गया क्वेश्चन वैसे देख लेते हैं यही होगा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन में मात्रा आपको इतना ही याद रखना है इंट में, में जो होगा वो बिना पॉइंट वाला होगा फ्लॉट में पॉइंट वाला भी होगा और बिना पॉइंट वाला भी हो सकता है कैरेक्टर में अल्फाबेट होगा यानी ए बी सी डी और इंट से अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या लिखेंगे लॉन्ग बेसिकली क्वेश्चन इसी चारों पे रहता है इसमें स्ट्रिंग वगैरह नहीं लिखते हैं क्योंकि C++ प्लस प्लस स्ट्रिंग डाटा टाइप्स कंटेन नहीं करता तो अगर पॉइंट रहेगा तो फ्लॉट बिना पॉइंट रहेगा इंटीजर ए बी सी डी रहेगा कैरेक्टर और इससे ज़्यादा रहेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ के ही समझ लेना है जैसे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास यानी एक क्लास में स्टूडेंट का जो नंबर होगा वो कौन सा डाटा टाइप्स होगा पहला देखो इंटीज़र तो इंटीज़र बोलता है कि नंबर बिना पॉइंट में नहीं होना चाहिए तो सही बात है कि स्टूडेंट कभी साढ़े मतलब पॉइंट में नहीं आएगा साढ़े सात स्टूडेंट हो सकता है क्या अब कोई नाटा रहेगा तो उसको हाफ नहीं काउंट करना है वो लंबा ही है मतलब पूरा एक में आएगा है ना तो कभी भी पॉइंट में जो स्टूडेंट का नंबर रहेगा कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा यानी पांच स्टूडेंट हो सकता है छः होगा दस होगा बीस होगा साढ़े बीस नहीं होगा तो पॉइंट में नहीं आएगा तो इसमें क्या हो गया इंटीजर द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी अब ये पूरा एक शहर का जनसंख्या का बात कर रहा है तो ये भी आपका पॉइंट में नहीं आएगा पूरा जनसंख्या का बात कर रहा है तो साढ़े पाँच सौ आदमी हो सकता है साढ़े छः सौ ये हो सकता है लेकिन छः सौ साढ़े पचहत्तर आदमी नहीं होगा छः सौ साढ़े पचास आदमी नहीं होगा समझ रहे ना तो ये ये भी पॉइंट में नहीं होगा या फिर बीस हज़ार भी हो सकता है एक शहर की बात कर रहा है पचास हज़ार भी हो सकता है तो जब बोल रहा है कि ये पॉइंट में नहीं आएगा यानी इंटीजर अब इंटीजर का रेंज माइनस बत्तीस हजार सात सौ अड़सठ से प्लस बत्तीस हजार सात सौ सरसठ तक ही होता है भाई याद है ना हाँ अब इससे तो बाहर हो सकता है क्या एक शहर में बत्तीस हजार ही आदमी रहेगा क्या क्या है रही? वो उतना तो ही रह सकता है नहीं बाबू इससे ज्यादा रह सकता है बहुत बड़ा बड़ा शहर है हमारे देश में है ना तो इंटीजर से बाहर जा सकता है तो क्या लिखेंगे लॉन्ग लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी वन पॉइंट फाइव मीटर भी हो सकता है वन पॉइंट सिक्स मीटर भी हो सकता है या सिक्स मीटर भी हो सकता है यानी पॉइंट में आ सकता है दोस्त तो क्या लिखेंगे फ्लॉट लिखेंगे है ना पॉइंट में आएगा तो फ्लॉट और द पॉपुलेशन ऑफ अ मेंबर एंड अ फैमिली मतलब एक फैमिली मेंबर की संख्या को किस में लिखेंगे तो एक फैमिली में क्या पचास हजार रहेगा क्या हो सकता है क्या नहीं ना रे बताओ यार एक फैमिली में पचास हजार मेंबर कैसे रहेगा तो एक फैमिली में पचास हजार मेंबर नहीं जा सकता यानी ये इंटीजर में ही आएगा है ना समझ में आया ये प्रीवियस क्लास में हम आपको समझा चुके हैं अब आते हैं इसी में अगला पॉइंट चलो अरे पेज भी खत्म होते जा रहा है कहाँ से लाएंगे पेज अब चलिए तो टॉपिक नंबर थ्री में ही अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग इरर सी प्लस प्लस दिख रहा है ना सबको नहीं दिख रहा है क्या रे दिखना तो चाहिए सी प्लस प्लस ई डबल आर ओ आर सी प्लस प्लस इरर बढ़िया से समझना बाबू इरर होता क्या है बहुत ही आसान चीज है लो तुम्हारे लिए थोड़ा रंग देते हैं है ना इरर का मतलब होता है गलती इरर का मतलब होता है गलती थ्रुटी तो ध्यान देना दोस्त इधर रफ करते हैं इधर क्या कर लेते हैं रफ कर लेते हैं ये सब नहीं लिखना तुमको तो मान के चलो अभी हम कुछ पॉइंट लिख रहे हैं इसको आपको याद नहीं रखना है इसको हम लिखा लिखना सिखाएंगे बनाना सिखाएंगे कैसे बनाते हैं अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि काम क्या हो रहा है देखो बढ़िया से देखो अभी गुस्साएगा सर देख नहीं है, है ना इसलिए गुस्साना नहीं है मान के चलो कुछ भी लिखा हुआ अभी माइंड नहीं करना है ये एक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है कुछ भी लिखा हुआ है माइंड नहीं करना है बस एक ये प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है याद रखना है तो इसको हम बनाना सिखाएंगे बस कुछ ही देर में या कुछ ही टाइम में है ना पहले हम ये सब पढ़ लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये एक प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है और इस तरीके का C++ का आप का जितना भी प्रोग्रामिंग लिखी अभी हम पांच लाइन का लिखे हैं अगर ये पांच पेज का हो या पांच कॉपी का भी प्रोग्राम हो तो इस प्रोग्राम में जो भी गलती होगा यानी C++ का प्रोग्राम में जो भी गलती होता है जैसे हम अपने लाइफ में गलती करते हैं तो बहुत तरीके का गलती होता है होता है ना क्या तुम गलती नहीं किया लाइफ में क्या देखो देखो खोज खाज के बहुत सारा किया होगा गधा कहीं के डेली गलती पे गलती करता है बोलता है, गलती नहीं करते है। तो अभी हम पांच लाइन का लिखें आप पांच पेज पांच कॉपी या पांच रूम का भी जैसा पूरा कॉपी में आप अगर प्रोग्राम को बनाते हैं तो उसमें गलती जितना भी होगा आप चाहे जिस प्रकार का भी गलती कीजिए जिस प्रकार का भी गलती कीजिए तो सी प्लस प्लस में जो भी गलती कीजिएगा जो भी गलती कीजिएगा वही कहलाता है सी प्लस प्लस इरर तो आप सी प्लस प्लस में जितना भी प्रकार का गलती कीजिएगा आप सी प्लस प्लस में जितना भी प्रकार का गलती कीजिएगा उस गलती को क्या कितना भाग में उस गलती को या पांच भाग में बाँटा गया है उस जितना भी सी में गलती होगा उस गलती को कितना भाग में पांच भाग में बाँटा गया है तो लिखते हैं डिफाइन करते हैं क्या सी प्लस प्लस कंटेंस सी प्लस प्लस जेनरली राइटिंग समझ में आता है ना नहीं आएगा तो बोलना चेंज करेंगे जेनरली फाइव टाइप्स ऑफ इरर ई डबल आर ओ आर सी प्लस प्लस कंटेन करता है कितना प्रकार का पांच प्रकार का इरर। तो देखते हैं एक एक करके सबको है ना पहला पहला यहां पे आता क्या है आपका सिंटैक्स एस वाई एन टी एक्स सिंटेक्स या इसी का एक और नाम है क्या टाइप इरर सिंटेक्स इरर या फिर टाइप इरर दूसरा इरर का नाम सीमेंटिक्स एस ई एम एन टी आई सी एस सीमेंटिक्स इरर तीसरा इरर का नाम है लॉजिकल इरर लॉजिकल इरर चौथा इरर का नाम है आपका लिंकर लिंकर इरर सबको छोटा किए इसको भी छोटा कर दो है ना और पांचवा जो है वो रन टाइम इरर पांचवा का नाम क्या बताया गया रन टाइम इरर समझ में आ रहा है यानी प्लस प्लस में जितना भी प्रकार का क्या होगा रे गलती होगा मिस्टेक्स होगा उस मिस्टेक्स को कितना भाग में पांच भाग में बांटा गया है सी प्लस प्लस में पहला सिंटैक्स या टाइप इरर दूसरा सिमेंटिक इरर तीसरा लॉजिकल इरर चौथा लिंकर इरर और पांचवा रन टाइम इरर समझ में आया चलिए अब एक करके देखते हैं कि क्या क्या है एक करके देखते हैं बाबू एक करके ही देखेंगे तो सबसे पहला नंबर का है सिंटैक्स सिंटैक्स सीर तो ध्यान दीजिएगा सिंटैक्स सीर होता क्या है तो वैसा इरर सी प्लस प्लस का वैसा इरर सी प्लस प्लस का सी प्लस प्लस का वैसाइयर सी प्लस प्लस का वैसाइयर जो गलती करेगा पंचुएटर्स में पंचुएटर्स है ना पीछे जो गलती करेगा पंचुएटर्स में पंचुएटर्स का मतलब साइमबल साइम्बल यानी सेपरेटर इसमें पंचुएटर कौन है ये देखो ये वाला है पंचुएटर साइम्बल है अब देख लेना एक बार पीछे पंचुएटर्स लास्ट में सेमी कॉलन है ये भी पंचुएटर है यहाँ भी सेमी कॉलन है ये भी पंचुएटर है यहाँ भी बंद ब्रैकेट है तो ये भी पंचुएटर है तो अगर आप प्रोग्राम में ये सब को लिखना छोड़ दीजिएगा ये लिखना छोड़ दीजिएगा ये लिखना छोड़ दीजिएगा ये लिखना छोड़ दीजिएगा तो ये सब सारा जो मिस्टेक है ये मिस्टेक ही कहलाता है क्या सिंटैक्स इरर या फिर टाइप इरर यानी वैसा इरर जब हम गलती किस में करेंगे पंचुएटर्स में यानी ब्रैकेट ब्रैसेस कॉमा सैमिकॉलोन इस टाइप से अगर हम किसी में गलती करते हैं ब्रैकेट ब्रेसेस कॉमा सेमी कॉलोन ये सब में अगर गलती करते हैं तो वो क्या कहलाता है सिंटेक्स इरर या फिर टाइप इरर समझ में आ रहा है यानी अगर हम कॉमा सेमी कोलन कॉलोन ब्रैकेट ब्राइसेस पैरेंथेथिस सब में गलती करेंगे ये सब अगर प्रोग्राम में लिखना छोड़ देंगे तब वो क्या कहलाएगा सिंटैक्स इरर क्या कहलाएगा सिंटैक्स इरर समझ में आ रहा है ना अगर हम प्रोग्रामिंग में कॉमा वगैरह छोड़ते हैं सेमी वगैरह छोड़ते हैं ब्रैकेट वगैरह छोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है सिंटैक्स इरर और सिंटैक्स इरर का ही दूसरा नाम क्या बताया गया आपको क्या बताया गया रे टाइप इरर। ध्यान से पढ़िएगा तो सारा समझ में आएगा नहीं पढ़िएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा चलिए इसको डिफाइन करते हैं तो डिफाइन किया करें नहीं करते हैं दोज इरर दोज इरर वैसा इरर बीच जो अकर 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 यानी रखता हो या होता हो वेन जब वी मिस्टेक हम लोग गलती करते हैं द किसमें रूल्स ऑफ सिंटैक्स या फिर पंचुएटर इज नॉन एज इज नॉन एज क्या सिंटैक्स इरर सिंटैक्स इरर इसका एक और नाम क्या बताएं इट इज ऑल्सो नॉन एज नॉन एज क्या टाइप इरर टाइप इरर समझ में आया दोज इरर वैसा इरर विच अकर जो आता हो वैसा गलती जो आएगा वैसा गलती जो आएगा कब वेन वी मिस्टेक जब हम लोग गलती करेंगे कहां पे रूल्स ऑफ सिंटेक्स जब रूल्स में गलती करेंगे किसका सिंटैक्स का या फिर किस में पंचुएटर में गलती करेंगे पंचुएटर मतलब कॉमा सेमी कॉलोन कॉलोन ब्रैकेट ब्रैसेस ये सब पढ़ा चुके हैं तो अगर आप पंचुएटर में गलती करते हो भाई तो वो क्या कहलाएगा सिंटैक्स सिरर अगर आप C++ में पंचुएटर में गलती कीजिएगा तो वो क्या कहलाएगा सिंटैक्स सिररर और सिंटैक्स इरर का दूसरा नाम टाइप इरर समझ में आया आ गया होगा नहीं आया होगा तो खोपड़ी साफ करो अपना है ना अब दूसरा इरर के बारे में पढ़ते हैं भाई दूसरा का नाम है सिमेंटिक्स दूसरा का नाम क्या है सिमेंटिक्स इरर हम लोग गलती पढ़ रहे हैं सोचिए जबकि कोई गलती के बारे में जानना नहीं चाहता है हम समझ सकते हैं सब गलती छुपाना चाहता है लेकिन हम आप आपको गलती को पढ़ा रहे हैं तो हम भी गलत ही कर रहे हैं नहीं मारेंगे बोल का गलत कर रहे हैं रे सीखो यहाँ चुपचाप देखो सीमेंटिक्स इरर क्या होता है सीमेंटिक्स इरर का मतलब होता है सीमेंटिक्स इरर का मतलब होता है कि जब हम कोई भी लाइन को या फिर पैराग्राफ को मीनिंगफुल नहीं करते मीनिंग कहने का मतलब जैसे एग्जाम्पल इधर देते हैं है ना वैसे एग्जाम्पल पे सी बराबर ए प्लस बी लिखे दिख रहा है ना रहो सी बराबर ए प्लस बी सी बराबर ए प्लस बी इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ए और बी का हम वैल्यू जोड़ेंगे और वो स्टोर कहाँ पे होगा सी में यही समझ में आ रहा है रे ए और B को जोड़ेंगे कहाँ स्टोर हो जाएगा C में एक मीनिंगफुल है लेकिन अगर इसी को हम इसी को हम इस तरीके से लिख दें a प्लस बी बराबर सी इस टाइप से तो ये c प्लस प्लस में मीनिंगफुल नहीं हुआ यानी आप सही रूल को फॉलो नहीं किए यानी ये एक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ अपोजिट लिख दिया ना तो समझेगा क्या नहीं समझेगा गलत हो जाएगा यानी अगर कोई भी चीज़ मीनिंगफुल रहे तो ठीक है लेकिन इसी चीज को आप अनमीनिंगफुल कर दीजिएगा मिस्टेक्स कर दीजिएगा तब वो क्या कहलाएगा सिमेंटिक्स इरर तो रिफाइन करते हैं इसको भी दोज इरर दोज इरर वैसा इरर विच अकर जो आता है कब वेन

Is known as, क्या रहेगा रे सीमेंटिक्स इम एन टी आई सी एस सीमेंटिक्स इरर समझ में आया वैस, दोज इरर वैसा इरर बिच अकर जो आता है कब वेन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम जब प्रोग्राम का स्टेटमेंट ये प्रोग्राम का स्टेटमेंट इसको भी हम प्रोग्राम में लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे आगे बताएंगे अभी बस इतना याद रखिए कि ये सब भी प्रोग्राम में यूज़ होता है तो अगर ये स्टेटमेंट प्रोग्राम का मीनिंगफुल ये मीनिंगफुल कहलाया और अगर ये स्टेटमेंट प्रोग्राम का इस टाइप से लिखा रहेगा यानी मीनिंगफुल नहीं रहेगा तब वो क्या कहलाएगा क्या रे सिमेंटिक सिर समझ में आया एग्जाम्पल देख लो लिख दो पे एग्जाम्पल में इस टाइप से ए प्लस बी बराबर सी कॉमा इस टाइप से भी लिख सकता है बी बराबर डी डिवाइडेड ए यानी कि उल्टा लिख दिए इसको भी और भी लिख सकता है ई टी सी कर दो तो है ना समझ में आ रहा है सिंटैक्स एरर और सीमेंटिक एरर समझ में आया तो सी प्लस प्लस में टोटल इरर कितना प्रकार का बाबू पांच प्रकार का कितना प्रकार का पांच पहला कौन सा सिंटैक्स दूसरा नाम टाइप एर, दूसरा सीमेंटिक्स तीसरा लॉजिकल चौथा लिंकर और पांचवा रन टाइम वैसा इरर जो किस में गलती होगा पंचुएटर्स में यानी कॉमा सैमिकॉलन कॉलन ब्रैकेट ब्रैसेस ये सब में गलती हो तो क्या कहलाएगा सिंटैक्स इरर दूसरा नाम टाइप पीरियर अगर आपका प्रोग्राम का स्टेटमेंट मीनिंगफुल नहीं रहेगा उल्टा पुल्टा रहेगा तो क्या कहलाएगा सिमेंटिक सीरर, है ना अब तीसरा तीसरा दिखेगा बाबू नोट बना रहे हैं रे, इसी से लिखना है ना यही लिख देते हैं ऐसे पेज बर्बाद नहीं करना लॉकडाउन में पैसा कहा से लाएंगे तीसरा तीसरा क्या आता है आपका लॉजिकल इरर लॉजिकल इरर लॉजिकल इरर क्या होता है ध्यान से सुनिएगा बाबू बहुत आसान है लॉजिकल इरर कहने का मतलब जो लॉजिक में प्रॉब्लम हो लॉजिक मतलब समझ में आता है फॉर्मूला लॉजिक मतलब फॉर्मूला जैसे तुमको जोड़ना है दो नंबर को क्या करना है जोड़ना है तो दो नंबर को जोड़ने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा c बराबर ए प्लस बी लगाना होगा ना c बराबर ए प्लस बी तो आपको दो नंबर को जोड़ना है उसके लिए लॉजिक लगाए c बराबर ए प्लस बी लेकिन अगर आप इसमें गलती कर देते हैं मतलब आपको दो नंबर को जोड़ना है और उसके जगह पे आप फार्मूला लगा दिए c बराबर ए माइनस बी दो नंबर को जोड़ना है और उसके जगह पे फार्मूला लगा दिए c बराबर ए माइनस बी तब वो क्या कहलाएगा लॉजिकल ईयर यानी जब प्रोग्रामिंग में हम कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे और वो फॉर्मूला अगर गलत अप्लाई कर दिए तो वो फार्मूला को लॉजिक भी बोलते हैं तो अगर आपको दो नंबर को जोड़ना हो और आपने फॉर्मूला लगा दिया c बराबर ए माइनस बी तो क्या ये दो नंबर को जोड़ेगा घटाना देगा रे तो ये लॉजिक में क्या हो गया गलती हो गया तब वो क्या कहलाता है लॉजिकल इरर क्या कहलाएगा लॉजिकल इरर तो डिफाइन करते हैं दिख जाएगा ना चलो दोज इरर जो आता हो कब आएगा वेन जब वेन जब क्या होगा रिक्वायर्ड रुट रिक्वायर्डपुट आउटपुट सॉरी विल नॉट बी ऑबटेन्ड तब क्या बोलेंगे इज नॉन एज इज नॉन एज लॉजिकल इरर लॉजिकल इरर देखिए क्या बोल रहा है दोज इरर वैसा इरर विच अकर जो आएगा कब वेन रिक्वायर्ड आउटपुट आउटपुट विल नॉट ऑबटेंड जो जरूरत वाला आंसर रहेगा वो हमको प्राप्त नहीं होगा यानी हमको आंसर क्या चाहिए जरूरत वाला दो नंबर का सम लेकिन आ गया दो नंबर का घटाओ तो क्या हमको जो रिक्वायर्ड आउटपुट था वो आया नहीं ना आया रे हमको चाहिए था जोड़ जबकि आ गया घटाओ तब वो क्या कहलाएगा लॉजिकल इरर क्या कहलाएगा लॉजिकल इरर एग्जांपल लिखो एग्जांपल लिखो एग्जांपल में इस तरह से लिखते हैं इफ वी हम लोग चाहते हैं क्या ऑफ टू नंबर टू टू नंबर यानी हम लोग दो नंबर का क्या चाहते हैं चाहते हैं देन हम दो नंबर का क्या, क्या चाह रहे हैं सम चाह रहे हैं लेकिन हम लोग फॉर्मूला लगा दे रहे हैं क्या इस तरीके से सी बराबर ए इंटू बी तो ये लॉजिकल एरर कहला गया क्योंकि दो नंबर का सम निकलेगा इसमें क्या नहीं इनटू निकल जाएगा सी बराबर ए माइनस बी सी बराबर ए डिवाइडेड बी इस तरीके से बहुत हो सकता है यानी हमको चाहिए था आउटपुट दो नंबर का क्या सम लेकिन हम मेरा आंसर आ जा रहा है गुना घटाव डिवाइड तो ये लॉजिक में गलती हो गया फॉर्मूला में गलती हुआ क्या कहलाया लॉजिकल इरर समझ में आ रहा बच्चा तो देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं बाबू C प्लस प्लस में इरर कितना प्रकार पांच पहला सिंटैक्स जिसका दूसरा नाम टाइप इरर दूसरा सिमेंटिक्स तीसरा लॉजिकल चौथा लिंकर और पाँचवा रन टाइम पहला सिंटैक्स इरर वैसा इरर जो गलती करेगा पंचुएटर्स में क्या कहलाएगा सिंटैक्स इरर है ना इसका भी एग्जांपल लिख सकता है ऐसे इसका भी एग्जांपल लिख सकता है यहाँ पे कि अगर ये सब ब्रैकेट वगैरह में गलती कोई करे या फिर सेमी कॉलन में कोई गलती करे या फिर कोई कॉमा में कोई गलती कर दे तो ये सब में अगर गलती किया जाए ब्रैकेट वगैरह में गलती किया जाए सेमी कॉलन में गलती किया जाए कॉमा में गलती किया जाए तो वो क्या कहलाएगा बाबू सिंटैक्स सिंटैक्सी क्या कहलाएगा सिंटैक्स दूसरा क्या है सिमेंटिक सीर अगर सिंटैक्स मीनिंगफुल नहीं रहेगा सिंटैक्स मतलब हमको दो नंबर का सम निकालना है और उसको मतलब सम के जगह माइनस नहीं उल्टा पुल्टा लिख दिए इधर उधर लिख दिए सिंटेक्स ऑरिजिनली नहीं रहेगा तब वो क्या कहलाएगा सिमेंटिक सरर जैसे देखो उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है लॉजिकल अगर हम फार्मूला में गलती करें हमको निकालना है गुना और उसके जगह पे हम भागा निकाल दें फार्मूला में गलती करें तो क्या कहलाएगा लॉजिकल एरर समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है आ रहा होगा तो चलिए अब नेक्स्ट इरर की ओर चलते हैं चौथा इरर चौथा इरर का नाम क्या है लिंकर इरर बाबू देखो नया पेज कहा निकाल यहीं लिख दें यही नोट्स यहीं बना लेना लिखे कि नहीं लिखें? अरे वाह क्या बोलता नहीं लिखें। मारेंगे ना यहाँ लिखेंगे कोई दिक्कत है तो मत लिखो तुम जाओ हम यहाँ लिखेंगे तब यहाँ देखो चौथा इरर चौथा का नाम क्या है बाबू लिंकर लिंकर इरर अच्छा लिंकर मतलब क्या होता है समझ में आ रहा है तुम लोग अच्छा तरह समझेगा रे लिंकर का मतलब जो लिंक करवाएगा जो कनेक्शन करवाएगा जो कनेक्शन करवाएगा लिंक कराएगा और अगर जो कनेक्शन करवा रहा है उसी में प्रॉब्लम हो जाए तब वो क्या कहलाएगा लिंकर इरर तो ध्यान देना बाबू अभी बस इतना याद रखना कि अगर इस प्रोग्राम को आप लिखिएगा तो प्रोग्राम को चेंजिंग करने का काम कौन करता है कंपाइलर कौन करता है कंपाइलर यानी ये प्रोग्राम को आपको लाना पड़ेगा किसके पास कंपाइलर के पास तभी ये काम करेगा इस प्रोग्राम को काम करवाने के लिए किसके पास ले जाना पड़ेगा कंपाइलर के पास तो इस प्रोग्राम को जो कंपाइलर से लिंक करवाता है और आता ये मेन फंक्शन कौन रहेगा मेन फंक्शन तो अगर आप इस मेन फंक्शन को ही गलत बना देते हैं या नहीं लिखते हैं तो वो लिंक इससे नहीं होगा पहले ही बताएं कि सारा का सारा प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा लिखा जाएगा और कन्वर्ट होगा मशीन लेवल लैंग्वेज में किसके द्वारा कंपाइलर के द्वारा इस पूरा प्रोग्राम को आना पड़ेगा किसके पास कंपाइलर के पास और ये कंपाइलर के पास लिंक जो करवाएगा कौन करवाता है मेन तो अगर आप इस मेन फंक्शन में ही गलती कर देते तो ये कंपाइलर से लिंक नहीं होगा तो जो लिंक करवाने का काम करेगा अगर हम उसमें गलती कर देते हैं तब क्या कहलाएगा बाबू इरर लिखना स्टार्ट करते हैं दोज इरर दोज इरर वैसा इरर विच अकर जो आता है कब आएगा कब आएगा विच अकर ड्यूरिंग लिख सकते हो ड्यूरिंग ड्यूरिंग कंपाइलेशन is known as is known as is known as linker ईरर यानी जब हम इस प्रोग्राम को लाएंगे कहाँ पे कंपाइलर के पास इस प्रोग्राम को लाएंगे कंपाइलर के पास उसी दौरान अगर वो गलत हो जाता है यानी लिंक नहीं होता है तो क्या कहलाएगा लिंकर इरर तो वो लाने के समय लिंक तभी नहीं होगा जब उसमें मेन फंक्शन नहीं होगा सी नहीं होगा तभी वो कहलाएगा लिंकर तो यहाँ लिखा हुआ है दोज इच अकर जो आएगा ड्यूरिंग कंपाइलेशन जब इसको हम कम कंपाइलेशन मतलब कंपाइलर के पास आता है जब चेक होता है तो जब हम इसको कंपाइल के पास लाएंगे कंपाइलर करेंगे यानी चेक करेंगे उसी दौरान अगर वो गलती होता है तो क्या कहलाएगा लिंकर क्या कहलाएगा लिंकर इरर समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल में लिख सकता है इस टाइप से क्या मेन फंक्शन अभी जस्ट बताया ना कि अगर इसमें गलती करेगा मेन फंक्शन में तो वो लिंकर इरर हो जाएगा इसी में लिख सकता है सी ऑट सीन ये सब होता है आगे पढ़ाया जाएगा तो ये कहलाया लिंकर इरर लास्ट देख लेते हैं हम लोग क्या पांचवा नंबर चलिए ध्यान से समझिएगा लास्ट आता है का रन टाइम रन टाइम रन टाइम इधर देखो रन टाइम सबसे बिगड़ेल है बिगड़ेल कैसे बोलेंगे पता है क्योंकि बाबू तुम्हारा सब काम हो जाएगा यानी यानी तुमको चलिए इसको पहले हम समझाते हैं जैसे तुमको खाना खाना है तुमको खाना खाना है तो खाना खाने के लिए आपने चूल्हा जलाया खाना बनाया सब काम कर लिया फाइनली बचा हुआ है खाना खाना फाइनली क्या बचा हुआ है खाना खाना मतलब आपका फाइनली काम क्या था खाना खाना तो खाना खाने के लिए आपने इतना काम किया खाना खाने के लिए आपने इतना काम किया लेकिन एन वक्त पे जैसे खाना बना करके आप निकालने जा रहे थे सारा खाना गिर गया तो बाबू सारा काम तुम किया लेकिन क्या खाना खाया नहीं यानी तुम्हारा जो काम था वो नहीं हुआ तुम्हारा जो काम था नहीं हुआ तो हम प्रोग्राम को कोई भी काम को लिखते हैं आंसर लाने के लिए दुनिया में अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हैं, रिजल्ट के लिए ही करते हैं रिजल्ट ही के लिए करते हैं ना मेहनत करते हैं रिजल्ट के लिए कम कमाते हैं उसके लिए रिजल्ट के लिए तो जो भी काम करते हैं रिजल्ट के लिए तो बाबू सारा काम करेगा लेकिन रिजल्ट वे नहीं आएगा रिजल्ट नहीं आएगा तो वो क्या कहला जाएगा रन टाइम यानी तुमको खाना खाना है तुम इतना काम कर लिया लेकिन खाना नहीं खाया तो वो क्या कहला जाएगा रन टाइम इरर तो लिख दो इसको दोस्त इरर Those error वैसा इरर, which occur, which occur जो आता है, कब आएगा, which occur, comma दे दो यहाँ भी, comma दे दो, which occur, after successfully, after successfully compilation. इज नॉन एज इज नॉन एज रन टाइम देखो क्या बोल रहा है दोस ईरर वैसा इरर विच अकर जो आएगा आफ्टर सक्सेसफुली कंपाइलेशन कंपाइलेशन का मतलब तैयार हो चुका है बन के तैयार हो चुका है बस खाली खाना है सब चीज प्रोग्राम रेडी हो चुका है बस खाली आंसर लाना है तो बाबू अगर उसके बाद गलती आ गया तो क्या कहलाएगा रन टाइम इरर एग्जाम्पल में इसमें लिख दो कि बाबू इसमें आउटपुट डिस्प्ले नहीं करता आउटपुट विल नॉट बी डिस्प्ले यानी सारा काम हो जाएगा लेकिन आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा समझ में आया नहीं आया चलो एक बार रिवाइज करते हैं शुरुआत से लेकर तो ध्यान से समझिएगा इरर कितना प्रकार का सी में पांच प्रकार का पहला कौन सा सिंटैक्स दूसरा सिमेंटिक्स तीसरा लॉजिकल चौथा लिंकर और पांचवा रन टाइम वैसा इरर जो किस में गलती होगा पंचुएटर्स में क्या कहलाएगा सिंटैक्स सीर दूसरा वैसा इरर जो स्टेटमेंट को उल्टा पलटा लिख देंगे तो क्या कहलाएगा सिंटैक्स सीर सॉरी सिमेंटिक्स सीर वैसा इरर जब फॉर्मूला को गलती लिख देंगे तो क्या कहलाएगा लॉजिकल इरर वैसा इरर जब हम जो लिंक करता है उसी को छोड़ देंगे या गलती कर देंगे तो क्या कहलाएगा लिंकर इरर और वैसा इरर जिसमें सब काम हो करके आंसर नहीं आएगा तो क्या कहलाएगा रन टाइम इरर समझ में आया तो इस टाइप से इस टाइप से ये आपका क्या कहलाया इरर तो बाबू अब ईरर से क्वेश्चंस एक बार आया हुआ है है ना क्वेश्चंस आता है या आया हुआ है व्हाट इज डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन बिटवीन रन टाइम एंड रन टाइम एंड सिंटैक्स इरर सिंटैक्स इरर ये 2011 का क्वेश्चन है कहा कब का क्वेश्चन है 2011 का 2011 का क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रन टाइम एंड एरर बन जाएगा ये आपको बनाना है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन डिफ्रेंस बिट्वीन सिंटेक्स एंड सीमेंटिक्स इरर सीमेंटिक्स इरर ये दो क्वेश्चन आपको बनाना है लिखना है आपको क्या लिखना है हमें बता दिए एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है तो देखिए ये हुआ सी प्लस प्लस का इरर अब देखिए जो हम ये इस टाइप से अगर हम सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो ये प्रोग्रामिंग को सॉल्व करवाएंगे एक स्पेशल सॉफ्टवेयर में इस प्रोग्रामिंग को अगर हम बनाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे एक स्पेशल सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग का एक स्पेशल सॉफ्टवेयर में और उस सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए हमको कुछ शॉर्टकट की जानना पड़ेगा इस प्रोग्रामिंग को हम सॉल्व करवाएंगे एक स्पेशल सॉफ्टवेयर में और उस सॉफ्टवेयर को उस सॉफ़्टवेयर को काम करने के लिए हमको कुछ हमको कुछ शॉर्टकट की याद रखना पड़ेगा तो चलिए हम उस प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर का कुछ शॉर्टकट की देखते हैं तो हम कुछ शॉर्टकट की बताते हैं जिसका यूज़ इसको हम लिखने के बाद उस सॉफ्टवेयर में करेंगे दिखाएंगे लैपटॉप का सॉफ्टवेयर में कौन सा वैसे तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है लेकिन हम एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ही बारे में लिखेंगे तो यहां लिखते हैं चलो हम लिख लिख देते हैं ना लिखा हुआ है सम इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज ऑफ सी प्लस प्लस यानी सी प्लस प्लस का कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की यानी जो हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कॉपी में लिखेंगे उसको हम रन करवा सकते हैं सॉल्व करवा सकते हैं कंप्यूटर में तो वो कंप्यूटर का एक स्पेशल सॉफ़्टवेयर आता है वो बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है लेकिन हम एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं हम यूज़ करेंगे टर्बो सी प्लस प्लस का आपका इसी में आता है टर्बो सी सेवन टर्बो सी एंक्री सी प्लस प्लस दे सी प्लस प्लस जी सी प्लस प्लस ये बहुत सारा सॉफ्टवेयर है लेकिन हम शॉर्टकट की बताने किसका जा रहे हैं टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर का और इसी का हम प्रोग्राम को सॉल्व करवाने के लिए भी यूज करेंगे तो वैसे तो इसमें बहुत सारा शॉर्टकट की है लेकिन हम कुछ कुछ लिखवा देते हैं जो हम ज़्यादा यूज करेंगे तो सबसे पहले शॉर्टकट की F1 F1 से क्या होता है इसमें हेल्प होता है जब F1 दबाइएगा सॉफ्टवेयर में तो हेल्प होगा हेल्प का बॉक्स खुलेगा अगर आपको कोई चीज़ सेव करना हो तो F2 दबाना होगा अगर सेव किया हुआ कोई चीज़ ओपन करना हो तो F एफ uh, थ्री दबाना होगा आपको अगर आपको कर्सर पे जाना है यानी कर्सर जो मेन घूम रहा होता है उस पर जाना है तो आपको F4 दबाना होगा यानी गो टू कर्सर अगर आपको पेज को जूम करना है तो F5 दबाना होगा है ना अगर नेक्स्ट करना हो तो F6 दबाइएगा नेक्स्ट करना हो तो F6। अब यहाँ पे क्या करना है अगर मेन मेन्यू F7 का भी होता है 8 का भी होता है लेकिन वो सब यूज़ नहीं करते हम लोग अगर आप F10 दबाइएगा तो मेन मेन्यू में चल जाइएगा कहीं भी रहिएगा मेन मेन्यू में आप आ जाइएगा अगर उस पेज से आपको बाहर निकलना हो उस सॉफ्टवेयर के पेज से बाहर निकलना हो तो अल्ट के साथ हम दबाएंगे एक्स अल्ट के साथ क्या दबाएंगे एक्स इससे हम उस पेज को क्या कर जाएंगे क्वाइट कर जाएंगे यानी छोड़ देंगे अब मान के चलिए आप कुछ लिखे लिखे लिखना नहीं चाहते थे एक स्टेप पीछे आना है तो एक स्टेप पीछे आने के लिए एक स्टेप पीछे आने के अल्ट प्लस बैक स्पेस बटम होता है उससे हम एक स्टेप पीछे आते हैं जिसको बोलते हैं अंडो जिसको क्या बोलेंगे अंडो अगर एक स्टेप आगे जाना हो तो शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस बैक स्पेस तो हम एक स्पेस आगे चल जाएंगे जिसको बोलते हैं रेडो जिसको क्या बोला जाएगा रेडो अगर उसमें कॉपी करना हो किसी चीज को तो सी टी आर एल कंट्रोल प्लस इंसर्ट बटन से क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू कॉपी होगा उसमें क्या होगा कॉपी अगर कोई चीज़ को पेस्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ शिफ्ट के साथ इंसर्ट तो क्या हो जाएगा पेस्ट वैसे बहुत सारा होता है लेकिन इतना ना लिखा करके मेन मेन शिफ्ट बोल दे रहे हैं है ना अब देखिए कि जब आप प्रोग्राम को इस सॉफ्टवेयर में लिखिएगा प्रोग्राम को इस सॉफ्टवेयर में लिखिएगा तो लिखने के बाद उसको चेक करते हैं लिखने के बाद उसको क्या करते हैं चेक तो चेक करने के लिए भी शॉर्टकट की होता है चेक करने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ एफ सॉरी एफ़ नाइन सिर्फ दबाइएगा एफ़ नाइन या फिर या एफ़ नाइन दबाइएगा तो भी आपका क्या होगा कंपाइल होगा यानी चेक होगा या फिर इसी को आप अल्ट के साथ F9 नाइन दबा सकते हैं यानी सिर्फ F9 नाइन दबाने के बाद भी कंपाइल होगा और अल्ट के साथ दबाइएगा F9 नाइन तो भी कंपाइल होगा और लास्ट बताते हैं कंट्रोल के साथ F9 नाइन तो इससे क्या हो जाएगा रन हो जाएगा क्या होगा रन यानी सॉल्व होगा और भी होता है लेकिन बहुत सारा उतना लिखवाने की जरूरत नहीं है तो ये शॉर्टकट की है जिसका हम प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे तो आपको मेन कौन कौन याद रखना है, ध्यान दीजिए सेव वाला F2, टू ओपन वाला F3, थ्री जूम वाला F5, और कंपाइल वाला और रन वाला बेसिकली ये पांच याद कर लीजिए ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है वैसे बहुत सारा होता है ये पाँच का ज़्यादा यूज करेंगे बाकी बात और यूज़ आप कर सकते हो आपकी मर्जी ये ज़्यादा यूज़ होगा समझ में आया तो अब धीरे धीरे हम प्रोग्रामिंग की ओर बढ़ रहे हैं एक क्लास के बाद सीधा प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे एक क्लास और पढ़ाएंगे सीधा उसके बाद प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे तो दोस्त आज हम लोगों ने क्या पढ़ा सी प्लस प्लस इरर कितना प्रकार का पांच सिंटैक्स सिमेंटिक्स, लॉजिकल लिंकर और रन टाइम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इसके बाद इधर देखो यहाँ भी है ना इधर इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि C प्लस प्लस में जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे कौन सा टर्बो C प्लस प्लस उसका कुछ शॉर्टकट की जिसमें याद रखना है सेव वाला ओपन वाला जूम वाला कंपाइल वाला और रन वाला समझ में आया नहीं आया मारेंगे खोपड़ी खोल